ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी सैयद मोइन के लड़के ने 12वीं के इम्तिहानात में बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। इसी खुशी में शहर नांदेड़ में उनके दोस्त अहबाब रिश्तेदारों की ओर से उनका सत्कार किया जा रहा है। इसी तरह वसीम कासिम बाबू सेठ और नांदेड़ टुडे न्यूज़ के संपादक नईम खान की ओर से भी सैयद मोइन और मुसद्दिक मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव के चीफ एडिटर मुबीन कामरानी की लड़की ने भी 12वीं के इम्तिहानात में बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। उनका भी शाल और फूल पहनाकर सत्कार किया गया। हम पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें इस कामयाबी से नवाजा, और उसके बाद हम टीचर्स के और अपने वालिदैन के शुक्रगुजार हैं कि हमारी उन्होंने हिम्मत बढ़ाई, हमारी हौसला अफजाई की। उसके बाद हम वसीम सर का और जनाब सैयद मोइन सर के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें अपने ऑफिस पर बुलाया और हमारी शालपोशी व गुलपोशी की और हमें अप्रिशिएट किया। ज़्यादा उसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने चांस भी दिया है, अगर कोई फेल हो जाता है तो वो बाद में से और एक बार एग्ज़ाम दे सकता है विदाउट एक साल वेस्ट किए। तो जो स्टूडेंट्स फेल हो गए उनके लिए पैनिक की कोई बात नहीं है, और वो डिप्रेशन में बिल्कुल ना जाए, क्योंकि सेल्फ स्टडी जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, विदाउट ट्यूशन के भी आप बहुत सारे परसेंटेज ले सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को और ऐसे लोगों को बोलना चाहूँगी कि वो बस सेल्फ स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट करें। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस कामयाबी के लिए किया, और मैं ख़ास तौर पर हमारे असातिज़ा और सभी टीचर्स का शुक्रगुजार हूँ, वसीम बाबू सेठ एंड नईम सर और नज़ीर सर, जो सब ने अप्रिशिएट किया और इनक्रेज किया हमें और गुलपोशी की, उसका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और क्या बनना चाहते हैं आप आगे करके? इंशाल्लाह अभी तो मैं नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन आगे ग्रेजुएशन के बाद मैं यूपीएससी के लिए तैयारी करूँगा और आगे